किसी ने फरमाइश की थी कि हम मौका लावा केक या कॉफ़ी चॉकलेट वाला लावा केक बनाएं, तो उनकी फरमाइश पे आज मैंने ये रेसिपी रखी हुई। मैं क्या क्या चीज़ें इसमें डालूंगी, देखें, रेसिपी है सिर्फ दो रैमेकिंस के लिए, लेकिन दो तो इतने से बनते हैं, तो मैंने इस रेसिपी को डबल किया हुआ है। तो 4 चमचे फीका अनसॉल्टेड मक्खन मुझे इस्तेमाल करना है और वो जाएगा एक पैन में, बिकॉज इसको हमें पिघलाना है, ठीक है। आप दो भी बना सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करके, लेकिन मैं 4 बना रही हूं। ओके, फिर इसमें हम डालेंगे चॉकलेट, ये भी है 4 ounces, और इसको आपने पिघलाना है। अच्छा जी, फिर और क्या है, 2 चम्मच भर के कॉफी है, 2 अदद पूरे अंडे हैं यहां, और 2 जर्दियां हैं, ठीक है। फिर मैदा है मेरे पास यहाँ 6 चम्मच, 6 टेबल स्पून। नमक है, नमक को कभी भी डबल नहीं करते हैं, और चीनी है 1/2 कप मैं यूज़ कर रही हूँ, 1/3 लिखा है, मगर ये आइसिंग शुगर है आज, ठीक है। सो आइसिंग शुगर, 2 अदद अंडे, 2 जर्दियाँ एक्स्ट्रा, कॉफ़ी, नमक, मैदा और मक्खन और चॉकलेट, ये है। तो अगर आप इसी तरह चॉकलेट वाला बनाना चाहते हैं तो आप कॉफ़ी ओमिट कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा, और कॉफ़ी और चॉकलेट का बनाइएगा तो मौका का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करिएगा। सारी चीज़ें बीट होंगी, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे और बेक करने रख देंगे। और बेक किस चीज़ में करेंगे, हम बेक करेंगे रैमेकिंस में, ठीक है। उनको हम ग्रीस करेंगे शाताज कुकिंग ऑयल के साथ। चॉकलेट को चॉप किया हुआ होगा तो आराम से, आसानी से, जल्दी से वो पिघल जाएगी। चूल्हा आप उसका बंद कर दीजिएगा, बिकॉज गरम गरम चॉकलेट और मक्खन अंडे में नहीं डालेंगे। अब रैमेकिंस की तरफ आते हैं। ये रैमेकिंस को मैंने एक रोस्टिंग टिन में रख दिया है, कोई भी टिन में रख दीजिएगा, आसानी होगी उठाने के लिए, ठीक है। और फिर मैं इसको ग्रीस कर दूँगी। मेक श्योर दे आर क्लीन, पहले अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा, और फिर शाताश कुकिंग ऑयल के साथ आप इसको ग्रीस करिएगा। 2 से 3 बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं। अब ये बड़े रैमेकिंस हैं, ठीक है, दीज आर बिग वंस, रेगुलर वाले रैमेकिंस ये नहीं हैं, थोड़े से बड़े हैं। मैंने इसलिए थोड़े से बड़े लिए हैं, लावा केक अगर इतना सा आप बनाएंगे, इतना छोटा सा, तो वो अंदर से ज़रा जगह होनी चाहिए कि वो अंदर से वो लावा निकले, सो वी डोंट वॉन्ट के बहुत पतले छोटे से हों। शाताश कुकिंग ऑयल, और भी यहाँ चॉकलेट और मक्खन ठंडा हो रहा है। अच्छा जी, आज हमारे पास है डिलक्स ट्रैवल केटल। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, छोटी सी केटल आप अपने बैग में रख के लेके जा सकते हैं, इनेक्स की तरफ से गिफ्ट है। अगर जीतना है हमारे शो के थ्रू तो आप हमें बताएंगे फिश से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और फिश से बनने वाले रेसिपीज़ के 2-3 नाम लिख के SMS करिएगा अपने फ़ोन से 8881 पे, 8881 इस नंबर पे, ठीक है। ओके जी, अब मैं लेती हूँ 2 अदद अंडे, इसमें हम डालेंगे 2 अदद जर्दियाँ, सफ़ेदियों को अलग कर दिया था मैंने, ठीक है, फेंकिएगा नहीं, उसका ऑमलेट बना के खा लीजिएगा। ये 2 अदद जर्दियाँ हैं, ठीक है, और आपने इसमें वो वाली 1/3 कप जो हमने 2 दफ़ा ली थी चीनी, वो डालनी है। पहले अंडे अच्छी तरह बीट करते हैं। बहुत अच्छी तरह बीट करिएगा। कुछ चीज़ों में हम राइजिंग एजेंट कुछ रखते नहीं हैं, मसलन नो बेकिंग पाउडर, नो बेकिंग सोडा इसमें नहीं है। कल किसी कॉलर ने कॉल करके मुझे कहा था कि अगर घर में आपने आज बेकिंग सोडा नहीं डाला तो केक में तो हम हमेशा दोनों चीज़ें डालते हैं। नहीं, लाजमी नहीं है कि हमेशा हम बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर दोनों चीज़ें डालें। जिस रेसिपी में जो लिखा है वही डालिए, अगर बेकिंग सोडा है तो सोडा डालिए, पाउडर है तो पाउडर डालिए, दोनों है तो दोनों डालिए, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैदे में हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया और हम नमक को यहाँ रख देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, कॉफ़ी में मैं थोड़ा सा पानी हमेशा मिक्स करती हूँ, सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, दम थोड़ा सा पानी,
और इसको मिक्स कर दीजिएगा। वैसे भी इंस्टेंट कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स हैं। अच्छा, अंडे जो हैं, दो अदद अंडे और दो जर्दियाँ बहुत अच्छी तरह मैं बीट करूँगी, और फिर ये चीनी हम डालेंगे, कॉफ़ी जाएगी, मैदा और नमक है, और यहाँ चॉकलेट और मक्खन ठंडा हो रहा है। हमें ब्रेक लेनी है, सो ये ठंडा हो जाएगा। तब तक ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम ये सब कुछ असेंबल करके फौरन हम रैमेकिन्स में रख देंगे अवन में बेक होने के लिए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा बेक नहीं करते हैं, लावा केक हमेशा थोड़ा सा कच्चा हो तब निकालते हैं, ताकि बीच में से आप काटें तो वो लावा ऊज आउट हो। ठीक है जी, आइसिंग शुगर अच्छी तरह अंदर बीट हो जाए। फिर आप कॉफ़ी और पानी, थोड़ा सा एक टीस्पून जितना पानी था, ठीक है, ज़्यादा नहीं ले लीजिएगा, ये पानी और कॉफ़ी, और फिर चॉकलेट और मक्खन जो पिघलाया था और ठंडा किया था वो, और फिर मैदा और नमक, ये सारी चीज़ें आपने रख देनी है। प्लीज़ ये याद रखिएगा कि अगर आपने इसको ओवर बेक कर दिया तो इसमें से फिर वो लावा नहीं निकलेगा। फिर आप परेशान नहीं होइएगा कि मैंने नहीं सिखाया था, मैं अभी बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ कि इसको कम टाइम के लिए बेक करना है, ज़्यादा टाइम के लिए बेक नहीं करना है। ठीक है, बीच में से आपको लगे कच्चा है तभी निकाल दीजिएगा, उल्टा नहीं करिएगा, तब उसको अवन में से निकाल दीजिएगा। सो नॉट मोर देन 10 मिनट्स, 10 मिनट बस बेक करिएगा। अब आपको अपने अवन पता होना चाहिए किस तरह चलता है, हमारे अवन में जल्दी से हो जाती है चीज़ें। ठीक है, सो प्लीज़ याद रखिएगा। सो सारा मक्खन और चॉकलेट पिघला हुआ ये डाल दिया, और अब ये पहले मैं ज़रा मिक्स कर लूँ अच्छी तरह। अब ये मैदा जाएगा नमक के साथ, कॉफी की खुशबू आ रही है। रेसिपी बनाइएगा, ट्राई करिएगा, अगर आपको शौक है लावा केक्स का तो कॉफी वाला भी ट्राई कर लीजिएगा। सिर्फ कॉफी का बनाना है, चॉकलेट नहीं डालनी है तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं इसमें से कितने हम आज बना सकते हैं। लेट मी जस्ट मूव दिस ऑल आउट यहाँ से, साथ साथ बर्तन भी धो लिया करें, सफाई करते रहें साथ साथ। यहाँ हमने मक्खन या शाताश कुकिंग ऑयल के साथ इसको ग्रीस किया था, और आपने छिड़क दी थी आइसिंग शुगर, ठीक है, यही वाली जो आपने अंदर डाली है। ओवर मिक्स नहीं करिएगा, लेकिन ये वाइट पार्ट मैदे का बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, तो साइड से भी ले लीजिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करिए, और फिर आप इसको पॉक कर दीजिए, तो नीचे मैदा रह जाता है। मेरा ख्याल है 3 बनेंगे, या 3 ही बनाऊंगी मैं, बिकॉज़ क्या होगा फिर वो बहुत छोटा सा होगा ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा ऊंचा लावा केक होना चाहिए कि आप काटें तो अंदर से पूरा लावा ऊजिंग आउट निकले। जी, कॉलर हैं क्या? मछली से बनने वाले रेसिपीज़ के नाम लिख के SMS करिए अपने फ़ोन से, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अब ये सारी सफाई शफाई करके इसको हटा देते हैं, ये साफ़ है। सफाई करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ ये फिर बेक होगा तो फिर ये साइडों से जलता रहेगा जहाँ जहाँ से ये एक्स्ट्रा बाहर निकला है। ठीक है, कॉलर हैं जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। मेरी फर्स्ट बार कॉल मिली है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जी हाँ, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत लाइक करती हूँ, वो शो से देखती हूँ आपके बहुत शो, और मैं थैंक यू सो मच। सवाल का जवाब देना चाहती थी। जी जरूर। ये फिश कढ़ाई और फिश बारबेक्यू, फिश पुलाव, फिश बिरयानी। ओके, ठीक है, काफी है, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, थैंक यू। अवन में मैंने ऐसे ही ट्रे रखी है, इसमें पानी वानी कुछ नहीं है,
ये ट्रे इसलिए रखी है कि आसानी रहे मुझे रैमेकिन अंदर रखने में और निकालने में, और कुछ नहीं है।